जब बात बिहार के शिक्षा व्यवस्था की हो तो अक्सर हमारे मन में भ्रष्टाचार, शिक्षा के प्रति बिहार सरकार की उदासीन रवैया और लापरवाह शिक्षकों का ख्याल आता है। लेकिन हमें यह भी पता होनी चाहिए कि कभी हमारा बिहार पूरे विश्व भर में शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, लेकिन चरमराई व्यवस्था के साथ बिहार का शिक्षा व्यवस्था भी चौपट होते गया। और अफसोस कि आज देश भर में सबसे ज्यादा IAS IPS देने वाला राज्य साक्षरता दर में सबसे निचले पायदान पर है। कई जगहों पर समुचित व्यवस्था होने के बावजूद भी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। शिक्षक ही हमारे समाज के असली हीरो होते हैं, या यूं कहें कि समाज का असली निर्माता भी होते हैं। लेकिन आए दिन सरकारी स्कूलों के लापरवाह शिक्षकों का मुजाहिरा भी आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाता है। लेकिन बिहार के कुछ एक ऐसे बिरले शिक्षक भी देखने को मिल जाते हैं जो इस धारणा को तोड़ने के लिए काफी है, और यह शिक्षक उनके मुंह पर कड़ा तमाचा है जो बिहार के नौनिहालों के भविष्य को अंधेरों में झोंकने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, इन्हीं में से एक बिहार के समस्तीपुर जिले के हसनपुर प्रखंड के अंतर्गत राजकीय कन्या विद्यालय के नियोजित शिक्षक बैजनाथ रजक हैं, जो अपने पढ़ाने के अनोखे तरीकों को लेकर आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। और अभी हाल में ही बिहार के एक शिक्षिका का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। जी हाँ, बिहार के सुदूर बांका का प्रौनक मध्य विद्यालय आजकल खूब चर्चाओं में है, और इस चर्चा की मुख्य वजह है उस स्कूल की एक टीचर जिनका नाम खुशबू है। खुशबू अपने अनूठे अंदाज में गर्ल्स स्टूडेंट को गुड टच और बैड टच के बारे में बता रही हैं। आप सोच रहे होंगे कि यह सब हम आपको क्यों बता रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बताना जरूरी है। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं ग्रो अप इंडिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी खबरें जरूरी हो जाती है क्योंकि बिहार में अभी भी बहुत सारे ऐसे विद्यालय मिल जाएंगे, ऐसे शिक्षक मिल जाएंगे जो बुझती मजारों में भी दिया जलाने का काबिलियत और मनसा दोनों रखते हैं। ऐसे राष्ट्र निर्माताओं का हौसला अफजाई करना हमारे समाज की कर्तव्य होनी चाहिए। खैर, हम बात कर रहे हैं बिहार का एक ऐसा महादलित बस्ती में स्थित एक अनुसूचित विद्यालय का जिसने स्वच्छता के मामले में इतिहास रच दिया। जी हाँ, हम आपको बता दें कि बिहार के बेगूसराय जिले के बछवाड़ा प्रखंड के रानी दो पंचायत के प्राथमिक विद्यालय बेगमसराय अनुसूचित ने चंद प्रबद्ध संस्थान पटना में बीते सोमवार को बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में समूचे बिहार में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। बछवाड़ा प्रखंड के इस अनुसूचित विद्यालय को स्वच्छता के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त करना बछवाड़ा ही नहीं बल्कि बेगूसराय जिला के लिए भी उपलब्धि की बात है, क्योंकि अभी भी हमारे देश के अधिकांश महादलित बस्तियों को स्वच्छता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है। जी हाँ, और यही परम सत्य है। और ऐसी स्थितियों में इस विद्यालय का समुच्च बिहार में दूसरा स्थान प्राप्त करना वाकई काबिले तारीफ है। बिहार सरकार द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में 7000 विद्यालयों में से 5 स्टार पाने के मापदंड को कुल 28 विद्यालयों ने पूरा किया, जिसमें से बेगूसराय जिले के 6 विद्यालय शामिल हैं, जिसमें प्राथमिक विद्यालय बेगमसराय अनुसूचित ने मानकों पर खड़े उतर पूरे बिहार में दूसरे स्थान पर रहा। बिहार शिक्षा परियोजना के परियोजना निदेशक बी कार्तिकेय धनजी ने प्रधानाध्यापिका संध्या कुमारी को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए प्रमाण पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करते हुए उनका हौसला अफजाई किया। निदेशक ने कहा कि स्वच्छता के मानकों पर खड़े उतरने वाले विद्यालय और शिक्षक देश के सामने उदाहरण बनकर उभरे हैं और बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे विद्यालय को देखकर दूसरे विद्यालय को भी प्रेरणा मिलेगी। साथ ही उन्होंने साफ सफाई व्यवहार को बढ़ावा देने की अपील की। बेगमसराय अनुसूचित विद्यालय को बिहार राज्य स्तर पर दूसरे स्थान पर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार मिलने पर न सिर्फ विद्यालय के शिक्षकों व छात्र छात्राओं में खुशी की लहर है बल्कि प्रखंड क्षेत्र के बुद्धिजीवी व जन प्रतिनिधियों में भी खुशी तथा सम्मान का माहौल देखा जा रहा है। बताते चले कि यह विद्यालय रानी दो पंचायत के वार्ड नंबर 3 में अवस्थित है। यहाँ संसाधनों का अत्याधिक अभाव है, लेकिन अभाव में भी अपना प्रभाव बनाते हुए विद्यालय ने पूरे राज्य में स्वच्छता हेतु द्वितीय स्थान लाकर यह सिद्ध कर दिया कि असंभव कुछ भी नहीं है। इस विद्यालय की प्रधानाध्यापिका श्रीमती संध्या कुमारी के अथक प्रयासों का नतीजा है कि उन्होंने अपने जेब से आर्थिक मदद कर इस विद्यालय में समुचित संस्थानों की व्यवस्था किया है। विद्यालय को पुरस्कृत होने पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी निर्मला कुमारी ने कहा कि प्राथमिक विद्यालय बेगमसराय अनुसूचित राज्य में दूसरे स्थान का स्वच्छता पुरस्कार लेकर बछवाड़ा ही नहीं बल्कि जिले का नाम रोशन किया है, इसलिए हम प्राथमिक विद्यालय बेगमसराय अनुसूचित के
प्रधानाध्यापिका संध्या कुमारी समेत शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं को बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि अन्य विद्यालय के शिक्षक भी इस विद्यालय से प्रेरणा लेंगे। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि विद्यालय स्वच्छता परियोजना अमरीकी एजेंसी यूनिसेफ का एक पहल है जो निरंतर दुनिया भर के बच्चों एवं महिलाओं के वेलफेयर के लिए काम करती है। यूनिसेफ भारत के हर राज्यों के साथ मिलकर विद्यालयों में स्वच्छता परियोजना का वार्षिक आयोजन करती है, जिसके अंतर्गत विद्यालयों को स्वच्छता पुरस्कार के लिए 60 तरह के मापदंडों से गुजरना पड़ता है, जिसमें शुद्ध जलापूर्ति, क्रियाशील शौचालय और मूत्रालय एवं साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था, परिचालन एवं रखरखाव, क्षमता विकास एवं व्यवहार परिवर्तन के लिए संवाद, सामुदायिक सहभागिता एवं संसाधन जुटाना जैसे विषयों पर मुख्य जोर दिया जाता है। और अंत में हम आपको बताते चलें कि विद्यालय स्वच्छता परियोजना का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों में स्वच्छता एवं साफ सफाई की स्थिति का आकलन करना, विद्यालयों में कंपटीशन की भावना विकसित करना और सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों को सम्मानित करना तथा साक्ष आधारित सर्वश्रेष्ठ प्रयासों को मान्यता देना, शिक्षकों और बच्चों के वास क्षेत्र में संदेश वाहक की भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना एवं बच्चों के समग्र विकास के लिए विद्यालयों में साफ सफाई और स्वच्छता के प्रयासों को बढ़ावा देना और साथ ही विद्यालयों में जल स्वच्छता एवं साफ सफाई के मानकों का अनुपालन करने में सहायता करना है। सत्र में जून से लेकर फरवरी तक यह प्रक्रिया पूरी होती है। और साथ ही हम आपको बताते चलें कि इसमें स्कूलों को पहले स्वयं मूल्यांकन करना होता है और बाद में विभागीय स्तर से जांच भी की जाती है। इसी के साथ मैं विकास आपसे विदा चाहूंगा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक देखते रहें ग्रो अप इंडिया। धन्यवाद।